हेलो दोस्तों, निशांत कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे पेंट ब्रश के पेंट को कैसे यूज़ करना है। तो पेंट को सबसे पहले ओपन कैसे करना है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा पेंट। पेंट जैसे ही मैंने टाइप किया तो पेंट आ गया। अब सपोज इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे सामने पेंट ब्रश ओपन हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम इसके टूल्स को आज करेंगे कि टूल्स कैसे बनाने हैं हमने। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बनाई, तो ये एक लाइन बन गई। अब ये एक लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऐसे ये लाइन बन जाएगी। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन लगानी है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा। देखो, शिफ्ट दबा के अगर मैं अपने माउस को आगे पीछे करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब देखो, मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा तो ऊपर नीचे वो लाइन जाएगी जाएगी। उसके बाद होती है कर्व लाइन। अब कर्व लाइन क्या होती है? कर्व लाइन होती है ऐसे, आप उसको कर्व कर सकते हो। जैसे सपोज आपने एक लाइन लगाई, लाइन लगा के अब आप इसको ऐसे सेंटर में अगर आप उसका माउस रखोगे तो ऐसे वो कर्व हो जाएगी आपकी। दो बारी आप कर्व कर सकते हो, जैसे आपने दो बारी कर्व किया उसके बाद आप छोड़ दो तो वो दोबारा नहीं कर्व होगी। उसके बाद है, अगर आपने एक सर्कल लेना है तो आप सर्कल ले सकते हो। ये बेसिकली आपका एलिप्स होता है, मीन्स जिसकी विड्थ और हाइट बराबर ना हो। अगर आपको पूरा सर्कल लेना है, मीन्स अगर आप चाहते हो कि विड्थ और हाइट सर्कल की बिल्कुल बराबर हो, तो आप शिफ्ट दबा लोगे। जैसे ही आप शिफ्ट दबा के अगर आप सर्कल बनाओगे तो वो बिल्कुल गोल बनेगा, मीन्स उसकी जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आपने देखो, ये आपका होता है एरिया जहाँ पे आपका पेंट, जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग्स को कर सकते हो, ये जो वाइट एरिया है। अगर आपने इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप कर्सर रखो तो एरो का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका स्क्रीन का साइज है ये बड़ा हो गया। उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। तो अगर कोई भी रेक्टेंगल बनाना है तो आप ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हो। अब जब तक आप इसको सिलेक्शन वगैरह कर सकते हो, इसकी एक बार ही आपने कहीं बाहर पे क्लिक कर दिया, अब आप इसको सिर्फ यहाँ से उठा सकते हो। इसके इसके आप साइज वगैरह नहीं चेंज कर सकते। ये आपका आ गया राउंडेड रेक्टेंगल, ये जो राउंड कर देगा, देखो साइड से राउंड रेक्टेंगल है। उसके बाद है आपका ये, आप इसको एक पॉलीगन की तरह ले सकते हो, लाइक अलग अलग क्लिक करो, बस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, फिर वो छूटेगा, अदरवाइज वो आगे के आगे अपने पॉइंट्स बनाता रहेगा। उसके बाद है ट्रायंगल, अगर आपको ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद है डायमंड, पॉलीगन अगर पॉलीगन बनाना है, ऑक्टागन, राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो, स्टार है, उसके बाद शेप्स हैं, इस तरीके से आप शेप्स बना सकते हो पेंट में। ठीक है, किसी भी कलर को आप ये सारे आपके टूल बार हैं, ये आप सारे टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आ जाएंगे, जैसे हार्ट बनाना है आप हार्ट बना सकते हो। नाइफ बनाना है आप नाइफ बना सकते हो। ये कलर्स हैं, ये जो आप कलर्स सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सपोज आपने ये रेड कलर किया तो अब ये ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो रेड कलर की आएगी। अगर मैंने यहाँ से ऑरेंज सेलेक्ट किया तो वो ऑरेंज कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके टूल बॉक्स थे। आप इस तरीके से अपने पेंट में टूल बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियोस आप ज़रूर देखो और आपको विद इन 4-5 वीडियोस में पेंट ब्रश अच्छे से आ जाएगा।